Life is a winding road, no telling where it goes. Driving the days and आप लोग से किसी को ये मालूम है तो प्लीज मुझे बता दें कैसे कुक करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बनाए। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है, मैं उठ कर आकर बाहर देख लिया तो खुशी और माइलो इधर लेटी है। लेटी है, मेरा वेट कर रहे थे और अभी टाइम कितना हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि लेट हो गया। चलो मैं नीचे चलते हैं। मेरा फोन में देखो कोई बैटरी मतलब चार्ज कुछ भी नहीं है, कल चार्ज करना भूल गई। आज मैं थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए, टाइम कितना हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं नहा धोकर बाहर आई क्योंकि मैं कल रात को ठीक से नहीं सो पाई क्योंकि संतोष का ऑफिस का कॉल कल सैटरडे, लास्ट व्लॉग में शायद मैंने बोला था संतोष को सैटरडे संडे भी काम है। अभी भी काम कर रहे हैं, इधर है देखो, अभी भी इधर काम चल रहा है। पता नहीं संतोष शायद 1 या 2 बजे तक उसका कॉल था, तब तक मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मैं सोने के लिए गया था लेकिन नींद नहीं आ रहे थे। वो आकर सो गया और उसके बाद पता नहीं कुछ है ना, ऐसा लग रहा था एक 3-4 बजे ऐसा स्टेयरकेस में ना कर कर एक आवाज, शायद मुझे सपने में लगा होगा पता नहीं, उसी के बीच उसी चक्कर में ना मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद 5 बजे माइलो आ गए ऊपर, फिर उसको लेके नीचे आ गया, फिर उसको खाना और उसको खाना सब देकर फिर ऊपर चले गया। 10:30 होने वाला है, इधर देखो क्या है। उसी के बीच में संतोष शायद बाहर जाकर भी आ गया। मैं उठी नहीं है ना इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है क्योंकि मुझे उसके बाद इतना नींद आया। चुंसी भी अभी जस्ट उठ कर आया। खुशी कुछ गाना गाए इतना फोर्स कर रहा था, सिंग कर लो। सुबह सुबह आकर ये चेक कर रहे थे। अभी बोल रहे अपस्टेयर्स व्हेन अचानक टाइम में द डोर्स क्लोज आई वाज लुकिंग एट हिम बट आई लुक्ड अ बिट डाउन आई मींस आई ग्रू टॉल देन हिम इन आई डिड हां आई डिड लुक तो मेरे से हाइट है ठीक है तुम मुझसे कंपेयर मत कर लो, तुम अच्छे से कंपेयर कर लो। तुम्हारा बाल जाकर कट कर लो। हाँ पहले क्या है ना, ये बैक है ना, आगे का बाल हमेशा बुश रहेगा लेकिन इधर है ना वो एकदम मतलब क्या बोलते ट्रिम करते हैं। अभी देखो वो भी बढ़ा रहे, कितना गंदा लग रहा है। कोई कटे एग्जैक्टली चुनसी हाँ खुशी कैसे है वो दिखाने जा रहे इधर है ना, ऐसा फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सैटरडे का चमत्कार है, ये देखो हर जगह मिसी है। मैं कुछ नहीं बोलते है इसलिए ये लोग अकरण इधर इधर रखते हैं, जब तक मैं गुस्सा करेगा तब तक इधर ही रहेगा। अभी सबको डांट मिलने वाला है स्पेशली खुशी को। यस ये सारा सामान तुम्हारा ही है, मैं हमेशा बोलती इधर माइलो का भी तुमने ही रखा है ना। हाँ अभी मैं जब तक उस रूम से वापस आएगा तब तक वो क्लीन होना चाहिए। यस
देखते हैं। हाँ, खुशी तो एकदम क्लीन कर दिया उधर, देखो एकदम खाली कर दिया। चुंसी भी इधर क्लीन कर रहा है। मम्मा, व्हाट डू यू मेक? हाँ, आज राइस और वो भी जैस्मिन राइस और केरला चिकन स्टू। मैंने ब्रेकफास्ट आज नहीं किया, सोचा सीधा लंच ही कर लेते हैं, क्योंकि so you're having brunch today. ब्रंच नहीं है, 12 बज जाएगा अभी, 11:37 हो गया ना, बनाते बनाते 12 हो जाएगा। मतलब एकदम इजी है। केरला स्टू का रेसिपी है ना, बहुत बार आप लोगों के साथ 2-3 बार शेयर किया है, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि ये जैस्मिन राइस के साथ है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। दिस इज द जैस्मिन राइस। ऐसा मुझे भी पहले मालूम नहीं था। चुंसी के एक दोस्त आया था दो हफ्ता पहले, वो थाईलैंड की थी। उस दिन मैंने है ना चिकन स्टू बनाया था, फिर बासमती राइस बनाने का प्लान था, बट देयर वाज नो बासमती राइस, जैस्मिन राइस था। तो मैंने फिर सोचा हाँ जैस्मिन राइस ही बना लेते हैं, करके बनाया था। इतना टेस्टी था, सबको पसंद आ गया। तो बासमती राइस और ये चिकन स्टू खाने में मजा नहीं आता। जैस्मिन राइस इज मोस्ट स्टिकी। नहीं नहीं, वो फ्लेवर होते हैं ना, इसमें एक थाई फ्लेवर आते हैं वो जैस्मिन राइस में, और ये कोकोनट, थाईलैंड का चिकन करी में भी कोकोनट ऐड करते है ना। हाँ, नॉर्मली कोकोनट ऑयल से बनाते हैं, लेकिन मैं आज वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। उसमें थोड़ा सा फेनल सीड्स, 2-3 क्लोव्स, 2-3 कार्डमम, 1 ओनियन लंबा लंबा करके हो। ओनियन थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब इसमें ऐड करना है 3-4 ग्रीन चिल्ली, जिंजर, कैरेट, करी पत्ता, 1 पोटैटो, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर नॉर्मली चिकन स्टू में नहीं डालते हैं। ये अच्छे से मिक्स कर चिकन डालना है। ये थोड़ा फ्रीजर में रखा था, इसलिए थोड़ा हाँ। चिकन डालने के बाद 1 टोमेटो, सॉल्ट, इसमें पानी नहीं कोकोनट मिल्क डालते हैं, वो भी थोड़ा थिन वाला, उसी के लिए मैं इधर कोकोनट मैगी का कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है, वो एक स्पून लिया। उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। यस, अच्छे से मिक्स करना है, वो डालना है। एक इम्पोर्टेंट चीज डालना भूल गई थी, वो है ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर, हाँ, वो 1 टीस्पून, मतलब छोटा स्पून का 1 स्पून डाल दिया। अभी इसको कवर कर नॉर्मली 1 मिसल देना है, लेकिन देखो उधर भी आ गया। 10:40 मंडे को आपका बाल देखो, एक बाल है ना आपका, मतलब इतना बुद्धि का यूज कर रहा है ना, एक इधर खड़ा हो गया, देखो बुद्धि का यूज कर रहा है। पहली बार मैंने सुना है। जब तक वो चिकन रेडी होगा है ना, तब तक इधर राइस भी बना लेते हैं। मैं इधर 2 कप ये दोनों इधर रेडी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। वो संदोष पूछ रहे गीला है, हमेशा गीला ही रहेगा क्योंकि ठंड है ना। ये शेड भी दिखाएंगे, पूरा भरा हुआ है, समर आने का वेट कर रही है थोड़ा क्लीन करने का। जो भी चीज है सब कुछ इसमें आकर रखा है, बहुत सारा सामान है ना अभी चैरिटी में देना है। ये वैक्यूम क्लीनर है, खराब हो गया मेरा एक को। हाँ, ये मुझे चाहिए था, ये वैक्यूम क्लीनर मुझे चाहिए अभी करने का है। और पता नहीं अभी साइकिल चुपसी का समर में शायद लेगा सामान लेने के लिए। पहले क्या दोस्तों के साथ जाते थे, अभी सब बस में है उसका। समर में ना इस बार हम लोग सोच रहे हैं, लास्ट टाइम भी सोचा था, फिर अच्छा अम्मा आ गया था ना, फिर नहीं हो पाया, टेंशन के ऊपर हो गया। अब इस बार क्या है देखते हैं कैसे होता है, we'll see how it goes. चलो basically the soil is really wet, so like the grass is not really going in the machine, so Chetra has to pick up all the grass and put it in the like bin. That's what's happening right now. It's gonna take a while then, definitely a really long time. See what Amma's up to, because I think she's
Poor Milo, he's so worried. So what are you doing, Mama? And I'm waiting for Kushika. Rice ho gaya. Abhi chicken bhi. Dekho, aaj aur baaki bhi. Let's see. Is the rice ready? हाँ देखो राइस रेडी हो गया. मैंने गैस भी ऑफ किया है. ओह दैट वाज रियली कुकी. थोड़ा मतलब जैस्मिन राइस है ना, थोड़ा स्टिकी स्टिकी लगता है. तीन स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है. उसके अंदर थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, डालकर अच्छे से मिक्स करना है. ये कोकोनट मिल्क इसके अंदर डालना है. और करी पत्ता भी डालना था, लेकिन मेरे पास अभी फिनिश हो गया करी पत्ता, इसलिए नहीं डाल रहे. गैस फिर से ऑन करकर एक बॉईल आने देना है. इसमें बॉईल आना शुरू हो गया. गैस ऑफ करकर थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है. हो गया हमारा चिकन स्टू. अभी उधर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जाकर देखो खुशी क्या है. ऐसे ऐसे सामान ऑर्डर किया था, मैं कम्प्लीटली भूल गई थी, परसों ऑर्डर किया था. अभी सारा सामान आ गया, मैं लोग इधर बंद कर रखा है. हम लोग संडे ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, आज ट्यूसडे हो गया. टाइम दोपहर का तीन बज गया. ठीक है, अभी देखो सामान सब इधर रखा है. मुझे थोड़ी देर के बाद खुशी को पिक करने के लिए जाना है. थोड़ी देर के लिए बंद कर रखा है ना, इतना प्यार हो गया. हाँ अभी हम लोग है ना, सैटरडे संडे फिर मैं दोपहर के बाद कोई ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नहीं, संतोष इतना बिजी हो गया था. एक्चुअली संडे पूरा रात उसने सोया नहीं है, एक मिनट भी नहीं सोया है. मंडे सुबह है ना, एक घंटा उसने सोया. और उसके बाद माइलो को लेके मतलब हम लोग इसका सेकेंड वैक्सीनेशन था. मैं बोला वो आप मत आ जाओ, लेकिन उसने बोला नहीं, उसका दूसरा भी कुछ कॉल अटेंड करना है. कर हम लोग जाते वक्त उसका दूसरा कॉल भी स्टार्ट हो गया. वो लोग भी पूछा है संतोष अब सोया नहीं है. मतलब इतना काम के लिए पैशन है ना, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है. एक्चुअली उसका वो जॉब है ना, वो बचपन से चाहते थे, शायद इसी वजह से वो अपना 101, 102 इससे भी अगर कुछ ज़्यादा है तो ज़्यादा बोल सकते हैं. इतना टाइम और एफर्ट वो दे रहे हैं. मतलब सोचो पूरी रात एक मिनट भी नहीं सोया है. उसी वजह से ना मैं संडे और कल ब्लॉग नहीं कर किया है. एक्चुअली मैं ब्लॉग कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ है, हमारा चुंसी है ना, चुंसी को उस दिन संडे को संतोष के साथ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना था. उसने बोला अच्छा मैं हम दोनों बाहर चले. संतोष बोला हाँ थोड़ी टाइम वेट कर लो, मेरा कॉल अगर फिनिश हो गया तो मैं आ जाएंगे. लेकिन बास्केट में रखकर जो बातें करेंगे, नहीं तो है ना ये बीच बीच में आएगा. देखो हाँ, उसको भी लगा है संतोष बहुत बिजी होने वाला है, ये पॉसिबल नहीं है. फिर उसने मुझे आकर पूछा अम्मा मेरे साथ बैठ कर एक सीरीज देखोगे. मैं बोला हाँ ठीक है सीरीज आकर देखेंगे. उसने मुझे आउटर बैंक करके एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आया है, उसने ऑलरेडी देखा है, लेकिन उसको मैं भी वो देखना है. फिर हम दोनों बैठकर वो सीरीज देखा है. मतलब सोचो दोपहर से रात तक हम लोग कंटिन्यूसली, मुझे ना बीच बीच में उठने का इच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको मुझे वो कुछ मुंह में डरा नहीं है ना, उसको मुझे वो सीरीज पूरा पूरा दिखाना है. फिर वो सीरीज भी देख रहे थे, वो मुझसे कुछ ना कुछ बातें भी कर रहे थे. वही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी है ना बैचलर को हमारा जरूरत पड़ता है. मैं हमेशा बोलते हैं ना, टाइम अभी 7 बजने वाला है. खुशी को स्कूल से पिक कराई और संतोष का कॉल भी आ गया अभी तो रास्ते में.
वो बहुत लेट होने वाला है आज, इसलिए डिनर शायद कर कराएंगे, नहीं तो घर पे आकर करेंगे, गारंटी नहीं है। जो भी मैंने ग्रोसरी लिए ना सब कुछ उधर रखकर गया था, क्योंकि चीज आप लोगों से पूछना भी है, मैं पहली बार ये ले रहे स्मोक सालमन, क्योंकि खुशी को इच्छा है। खुशी बोलो। So I went to my friend's house and she made this like sandwich. It was like cucumber, smoked salmon in like this bread. It's really good. Friend के घर गया तो उनकी मम्मी ने ये खिलाई, smoked salmon, cucumber और ये मतलब ये बन के अंदर रखकर दिया था। कुछ को बहुत पसंद आया, आकर बोला मुझे फिर से बना कर खिला दो। लेकिन मुझे डाउट है, खुशी ने बोला है ये स्मोक्ड सालमन है ना, उन्होंने कुक नहीं किया ऐसे ही। लेकिन पता नहीं, ये पिक्चर में भी ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं एक और बार ये मैं कुक किया तो कोई प्रॉब्लम है। प्रो से किसी को ये मालूम है तो प्लीज मुझे बताने कैसे कुक करना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखने में एक अच्छा लग रहा है, स्मोक किया तो भी अच्छा लग रहा है, इसलिए प्लीज मुझे एक बार बताना। Can we have some? हाँ ठीक है, आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, और also subscribe, definitely. हाँ सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं, कमेंट करना, और कमेंट आप लोग जब कमेंट कर रहे थे ना तभी मुझे ज्यादा मोटिवेशन आएगा, प्लीज कमेंट करना। I'll tell us about this. आई होप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।